पहली बड़ी खबर आ रही है भारत की तारीफ होने को लेकर। जानकारी के मुताबिक इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी कि IMF की मैनेजिंग डायरेक्टर क्रिस्टलिना जॉर्जीवा ने अपने एक बयान में कहा है कि भारत वर्ल्ड इकोनॉमी में एक ब्राइट स्पॉट बना हुआ है और 2023 की ग्लोबल ग्रोथ में अकेले 15% का योगदान भारत का रहेगा। साथ ही में भारत को लेकर जॉर्जीवा ने ये भी कहा कि डिजिटाइजेशन ने दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था को यानी कि भारत को महामारी से बाहर निकाला। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है WPL के टाइटल स्पॉन्सर को लेकर। जानकारी के मुताबिक टाटा ने वीमेंस प्रीमियर लीग यानी कि WPL के टाइटल राइट्स खरीद लिए हैं। BCCI और टाटा के बीच बीते मंगलवार को एक डील साइन हुई है। दोस्तों शायद आप जानते होंगे कि जिस तरह से IPL होता है अब उसी तरह से WPL होगा यानी कि महिलाओं का IPL, और इसी WPL में जो टाइटल स्पॉन्सर होगा यानी कि जगह जगह पर जिस कंपनी के बैनर दिखाई देंगे वो कंपनी होगी टाटा। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है BBC को लेकर। जानकारी के मुताबिक दिल्ली और मुंबई में BBC के ऑफिस में पड़ी रेड का मुद्दा अब ब्रिटेन की संसद में उठा है। ब्रिटिश हाउस कॉमन्स के मेंबर जिम शनन ने सरकार से इस मामले में जवाब देने को कहा। इस पे सुनक सरकार के सांसद डेविल रटेल ने कहा कि हम BBC के लिए खड़े हैं, ब्रिटिश की संसद BBC को फंड करती है और हम उसकी आज़ादी का सम्मान करते हैं। साथ ही में सुनक सरकार की तरफ से ये भी कहा गया कि BBC के पास बात कहने की आज़ादी है जो हमारे हिसाब से ये बेहद ही जरूरी है। हम ये बात हमारे दोस्त भारत सरकार से भी कहना चाहेंगे कि मीडिया की आज़ादी लोकतंत्र में बेहद ही जरूरी है। हालांकि उन्होंने अपने स्पीच में BBC दफ्तर पे जो अभी हाल ही में रेड की गई थी उस पे कोई टिप्पणी नहीं की, पर उनकी बातों ने इशारों में ये कह दिया है कि मीडिया की आज़ादी लोकतंत्र में बेहद ही जरूरी है, यानी कि जो न्यूज़ प्लेटफॉर्म होते हैं उनको आज़ादी दी जाए कि उन्हें जो भी पता चलता है चाहे वो सरकार के खिलाफ हो या सरकार के हक में हो या किसी बड़े से बड़े आदमी के खिलाफ हो या उसके हक में हो वो सभी बातें मीडिया में बताएं। कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि ब्रिटिश की जो सरकार है यानी कि सुनक सरकार उसका सपोर्ट BBC को मिला है। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है अमेरिकी वीजा को लेकर। जानकारी के मुताबिक अमेरिकी वीजा मिलने के मामले में भारत US की नंबर वन प्रायोरिटी है। अमेरिकी वीजा अधिकारियों के मुताबिक कोरोना के बाद देश भर में वीजा 36% जल्दी प्रोसेस हो रहा है, इसमें भारत उनकी पहली प्राथमिकता है। अगर कोई भारतीय अमेरिका के वीजा के लिए अपॉइंटमेंट लेने की कोशिश कर रहा है तो उसका वेटिंग टाइम कम से कम रखने की कोशिश की जा रही है। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है शाहरुख खान की एक और मूवी जवान को लेकर। दोस्तों पठान मूवी से धमाल मचाने के बाद अब शाहरुख खान जल्द ही जवान मूवी में नजर आने वाले हैं। फिलहाल इसकी शूटिंग चल रही है और शूटिंग अंतिम फेज में है, यानी कि मूवी की शूटिंग जल्दी पूरी हो जाएगी और ये मूवी जल्दी देखने को मिलेगी। जवान मूवी को लेकर एक और खास बात ये बताई गई है कि इसके जो एक्शन सीन्स हैं वो हॉलीवुड मूवी फास्ट एंड फ्यूरियस 7 की जो टीम है उसने प्लान किए हैं, कोरियोग्राफ किए हैं। बताया गया इस मूवी में शाहरुख खान एक्शन करने के साथ साथ 6 अलग अलग लुक में नजर आएंगे। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है एक हॉलीवुड मूवी को लेकर। दोस्तों द पोप्स एक्सोरसिस्ट मूवी का ट्रेलर रिलीज हो गया है। हॉरर यानी कि डरावनी फिल्मों के शौकीन लोगों के लिए ये किसी खुशखबरी से कम नहीं है। फिल्म का ट्रेलर काफी भयानक है जिसे देखकर किसी भी मजबूत इंसान का दिल दहल सकता है। फिल्म को लेकर ये जानकारी दी गई है कि ये मूवी आने वाले 7 अप्रैल को सिनेमा घरों में रिलीज हो सकती है हिंदी, तमिल और तेलुगु भाषाओं में, बाकी इंग्लिश में तो होगी ही। बाकी मूवी का ट्रेलर आप YouTube पे जाके देख सकते हैं। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है सऊदी की मुरब्बा सिटी को लेकर। दोस्तों अगर आप हमारे मुख्य समाचार रोजाना देखते होंगे तो अभी हाल ही में हमने आपको बताया था कि सऊदी अरब में एक नई सिटी बनने जा रही है जिसका नाम होगा न्यू मुरब्बा, और ये नई सिटी सऊदी अरब की जो राजधानी है रियाद वहाँ पे बनाई जाएगी। सबसे खास बात यह है कि इस नए शहर में यानी कि न्यू मुरब्बा शहर में एक विशाल इमारत बनाई जाएगी जो कि शहर के बीचों बीच होगी और इस इमारत का नाम मुकाब रखा गया है। अब धीरे धीरे शहर को लेकर कई जानकारियां सामने आ रही हैं। बताया गया शहर के बीच जो मुकाब नाम की इमारत बन रही है उसकी हाइट मुकेश अंबानी की एंटीलिया बिल्डिंग से 2 गुने से ज्यादा होगी यानी कि 400 मीटर होगी। साथ ही बताया गया शहर की इमारतों को इस तरह से डिजाइन किया जाएगा कि ये पूरी तरह से डिजिटल और वर्चुअल हो सकेंगे। सबसे खास बात एक और है कि शहर के बीचों बीच जो मुकाब नाम की इमारत बनने वाली है तो इसके आसपास को कुछ ऐसा डिजाइन किया जा रहा है कि इस इमारत के अंदर जाने के बाद कुछ ऐसे सीन आपको देखने को मिलेंगे आसपास में जो कि असल जिंदगी में होते ही नहीं है, यानी कि तकनीक का इस्तेमाल करके आसपास के सीन को कुछ ऐसा डिजाइन कर दिया जाएगा जो कि एक वर्चुअल दुनिया की तरह काम करेंगे और ये सीन जितनी बार चाहे उतनी बार बदले जा सकेंगे। आसान शब्दों में कहें तो आपका आसमान या जमीन या आपके चारों ओर के हिस्से में जो चाहे वो दिखाया जा सकता है और आपको देखने में ऐसा ही लगेगा कि शायद ये असली है। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है HDFC बैंक में FD की ब्याज दरें बढ़ने को लेकर। जी हां, HDFC बैंक ने फिक्स डिपॉजिट यानी कि FD की ब्याज दरों में बदलाव किया है और ये बदलाव 2 करोड़ रुपए से कम की FD की ब्याज दरों में किया गया है। अब HDFC बैंक में FD कराने पर आपको कम से कम 3% और ज्यादा से ज्यादा 7.10% का ब्याज मिलेगा, यानी कि आप जितने समय के लिए FD कराएंगे आपको उसी के हिसाब से ब्याज दिया जाएगा। उम्मीद करते हैं इससे आपको काफी कुछ जानकारी मिली होगी। हम बस इसके बदले में आपसे इतना ही चाहते हैं कि आप इस वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें, क्योंकि आपका लाइक और शेयर करना ही होता है हमारी मेहनत का फल। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।